तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल इदरीशी बटन स्टोर में। जैसा कि आज आप हमारे ये हाथ में प्लांट्स देख रहे हैं यानी कि पौधा, तो आप देख करके बताएं, गैस करके बताएंगे कौन सा पौधा हो सकता है और क्या है इसका नाम। और ये ग्राफ्टेड भी है, मैं आपको कुछ समय का कुछ मतलब टाइम की मोहलत देता हूँ, आप गैस करके बताएं इस पौधे का नाम। नहीं बता पाए, अगर बता पाए तो ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं बता पाए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है स्वर्ण चंपा। आज हम जो है इसको लगाने वाले हैं एक गमले के अंदर, जो कि साइज है मेरा गमले का 9 इंच का, और इसको जो है लाए हुए काफ़ी समय हो चुका है, तो ये यहाँ से ग्राफ्ट किया हुआ होता है। कैमरामैन करीब से आए और दिखाएं जरा, ये इसमें काफ़ी समय से रखा हुआ था मेरे पास। हालांकि मैंने जो है गंधराज चंपा तो लगा दी है अपने यहाँ, तो गंधराज चंपा मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि यहाँ से पहले दिखाएं, फिर बाद में गंधराज चंपा का भी आपको हाथ के हाथ अपडेट भी मिल जाएगा। और उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा गंधराज का, तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, यहाँ से देखें। ये ग्राफ्टेड होता है और ये देखें काफ़ी अच्छा इसका फूल होता है, स्वर्ण चंपा है ये। और ये इसके दो कलर मेरे ख्याल से आते हैं, गोल्डन कलर आता है और एक शायद व्हाइट कलर में अवेलेबल है ये। फिलहाल ये मैं लेकर के आया था धर्मेंद्र भाई के पास गया था, तो धर्मेंद्र भाई ने जो है मुझे इसको जो है सजेस्ट किया कि आप इस प्लांट को एक बार अपने घर पर जरूर लगाएं और इसकी खुशबू देखें। और गंधराज तो है ही, गंधराज भी उन्होंने मुझे दी थी। तो गंधराज पे एक फ्लावर बड आया था, उसकी शिकायत इन फ्लावर में इन प्लांटों में ये रहती है कि फूल बहुत जल्दी गिर जाता है, तो उसके बारे में भी हम टेक केयर के बारे में बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर किसी दिन जब इस पर फ्लावरिंग का सीज़न आएगा, जब मैं इसको आजमाऊंगा तब, तो मेरा जो है गंधराज चंपा दिखाई जाए। कैमरामैन इधर दिखाएं, ये रखी हुई है देख सकते हैं, ये हमारी गंधराज चंपा है। थोड़ा करीब से दिखाएं अच्छे से, इस पर नई शूटिंग है और नई बडें आ रही हैं, और ये देख सकते हैं नीचे को काफ़ी अच्छे से मतलब जो है अभी रखा हुआ है, वेल मेंटेन प्लांट चल रहा है अभी इस टाइम पर, क्योंकि अभी ये छायादार जगह पर रखा हुआ है। हालांकि अभी मैंने इसको जो है धूप में नहीं रखा है, अभी काफ़ी समय से छायादार जगह पे ही रखा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ से देख सकते हैं इसमें नई नई जो है शूटें आना शुरू हो रही हैं यहाँ से, तो हमने सोचा क्यों नहीं इसको जो है अभी इसको ट्रांसप्लांट किया जाए। इसे ट्रांसप्लांट करने के लिए जो हमने पॉट का साइज है, जैसे मैंने आपको बताया 9 इंच का लेना है इसके, इसको लेना है हमें ये ठिकड़ियाँ 2 3 4 जो भी लेना है आप वो ले सकते हैं। बाकी आपको सॉयल मिक्सर में बताऊँ, ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, इसको नमी पसंद है, आप इसमें जो है प्लांट में नमी बनाए रखें, और इतनी मतलब जो है मिट्टी का मिश्रण आप ऐसा बनाएं कि पानी इसमें जो है ठहरे ना। कोई भी प्लांट ले लीजिए आप, किसी भी तरीके का प्लांट है, अगर उसमें आप वेल ड्रेन सॉयल आप अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो है वो पेड़ को जो है नुकसान ज़रूर से ज़रूर देगी। तो इसको जो है हमने 9 इंची का जो गमला है हमने ये ले रखा है, 9 इंची के साथ साथ ये इसका पत्ता भी काफ़ी अच्छा है, मतलब पता नहीं किस वजह से अभी पतझड़ का समय है, शायद इसके पत्ते गिर गए हैं, और बाकी ये नई शूट जब आएंगी तो इंशाल्लाह ताला और भी खूबसूरत ये प्लांट रहेगा। मैं इनकी जो है यहाँ से सोचूंगा 2 प्लांट और प्रोपेगेशन करने की, फिलहाल मैं इसे इसमें लगा दूँ, फिर उसके बाद जो है मैं कोशिश करूँगा। और ये देखें ये जो मेरी सॉयल है इसके अंदर बर्मी कंपोस्ट है मिली हुई, और राइस हस्क है, और कोकोपीट भी है थोड़ी बहुत, और काफ़ी मिट्टी का मिश्रण है, और गार्डन सॉयल ना के बराबर थोड़ी बहुत है इसके अंदर। हाँ थोड़ी बहुत होगी, बहरहाल जो है इसके अंदर मेन चीज़ जो है वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, राइस हस्क, ये चीज़ें हैं। तो फिलहाल इसमें मैं क्या चीज़ देने वाला हूँ, सबसे पहले दूंगा मैं फास्ट रूट। इसमें मिलाने के लिए आप बहुत ज़रूरी याद रखें कि ये चीज़ें ज़रूर दें अपने प्लांट को, अगर आपके पास हैं अवेलेबल तो, नहीं है तो आप जो है ऐसे भी काम चला सकते हैं। ये रहा हमारा रूटिंग पाउडर, जो कि इसकी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, मतलब इसकी रूट को डेवलपमेंट मिलने के लिए, जो कि रूट डेवलप होगी। सबसे पहले हमने ये लिया है, सॉरी चाय पी लीजिए आप सभी लोग। अब मैं लेता हूँ इसी के साथ ये हमारा भूमिका, जो कि ह्यूमिक पावर है इसके अंदर, और इसे भी लेना सही रहता है। अगर आप चाहें तो अभी भी दे सकते हैं, वरना आप थोड़े समय के बाद भी दे सकते हैं, और इसको लिमिटेड ही दें, ज़्यादा ना दें, क्योंकि ज़्यादा आने पे जो है हमारा प्लांट जो है डेड हो सकता है। तो दूसरी चीज़ ये हमने ले ली, तीसरी चीज़ हमें लेना है, कोई भी आपके पास एनपीके है वो ले सकते हैं। बहरहाल मैं अभी 12x00 लूँगा, क्योंकि अभी मुझे फूल फाल की तो आवश्यकता है नहीं अभी, क्योंकि आएगा भी नहीं, तो इसलिए हम 12x60 नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखें आप अपने हिसाब से जो है जितना देना चाहें दे सकते हैं, डोज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, काफ़ी
कम ही होनी चाहिए। और ये रहा हमारा ट्राइकोडर्मा जो कि साइड से फटा हुआ था, तो उसी साइड से ही हमारा इसका काम चल रहा है आज तक। और ये बेस्ट फंगीसाइड है, मतलब जो है प्लांट में अंदर मिलाने के लिए ज़मीन के अंदर। और फिर प्लस हम जो है इसको मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद हम जो है आप अच्छे से मिला लें, और वरना ऐसे भी आप अगर दे देंगे तो कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि ऐसे भी ये काम कर जाएगा, अपनी जगह ये पहुंच जाएगा। तो हम इसको जो है करते हैं फिर इसको इस तरीके से हम रख देंगे, और रखने के बाद जो है मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बढ़ गई, कोई नहीं अभी देखता हूँ मैं। और इसको हम इसी में ही रहने देंगे घास को, ताकि ये जो है डीकम्पोस्ट इसमें हो जाए। आइए अब बारी आती है हमारे चंपा के पौधे की, तो हम इस पॉलीथिन को बचाने की हरगिज़ कोशिश नहीं करेंगे। आप इसको जो है फाड़ दें पॉलीथिन को, और इसके अंदर अभी किसी भी तरीके का रूट बॉन्ड नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, अभी बढ़िया हेल्दी कंडीशन में हम देखें। ये कीड़ा चिपका हुआ है मिट्टी के अंदर भी, चिपका हुआ है बेचारा, मुझे लगता है इंतकाल फरमा गया। चलिए खैर, इसको हमने निकाल लिया है, ये पॉलीथिन हमारी रही। और इसको लगाने के लिए सबसे पहले ये करेंगे आप, ऊपर ऊपर की जो ये जिस तरीके से घास वास जम रही है ना, इस तरीके के आप जो है इसको ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी को जो है हिला देंगे, और इसे भी हिला देंगे, इसे भी हिला लेंगे, जहाँ तक कोशिश हो मिट्टी थोड़ी बहुत अगर तो ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर रूट काफ़ी सारी हैं, हम ज़्यादा इसकी रूट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, तो हम इसी तरीके से इसको रखना पसंद करेंगे फिलहाल। ये मुझे लगता है मिट्टी ज़्यादा भर गई है नीचे वाली, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ थोड़ी सी। और मुझे अंदाज़ा नहीं था इसकी जो है मिट्टी इतनी सारी लगी हुई है इसकी जड़ पर, तो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है प्लांटेशन करते समय, कहीं कम या ज़्यादा का सीन लगा रहता है। तो ये देखिए ये हमारा प्लांट की जो रुख है वो भी आप अच्छे से रखेंगे, और उसी के साथ इसमें हम जो हमारी मिट्टी है वो हम उसे फिल कर देंगे जो हमने मीडिया तैयार किया है। तो ये मीडिया भी काफ़ी अच्छा है इसके। और बाकी इसमें जो फर्टिलाइज़र की बात रही, तो आप जिस तरीके से रोज़ प्लांट को फर्टिलाइज़ करते हैं उसी तरीके से आप इसको भी करते रहें, कोई स्पेशली फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है। बस आप पानी का ज़रूर से ध्यान रखें कि पानी ओवर वाटर ना हो किसी भी प्लांट में, इसी प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी प्लांट में ओवर वाटर ना हो। हालांकि जो मनी प्लांट होती है वो पानी में कुछ प्लांट हो जाते हैं, मगर जब मिट्टी के साथ पानी मिलता है तो वो सड़ना सड़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप या तो फिर डायरेक्ट अगर पानी की कोई चीज़ है, प्लांट है, तो वो पानी में ही ग्रो करें, या फिर जो है मिट्टी के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो उसमें जो है पानी ओवर वाटरिंग ना होने दें। ये देखें इस तरीके से ये हमारा हो गया है कंप्लीट। थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं ताकि जो है हमारा, अभी पानी देंगे तो देखें कितना बैठ भी जाएगा ये काफ़ी सारा। ये इस तरीके से हमने लगा दिया, अभी हाथ नहीं सनाए हमने, तो अब मैं इसमें पानी दूंगा। पानी देने से पहले एक बार फिर से मैं इसके ऊपर जो है ट्राइकोडर्मा का यूज़ करूँगा, ताकि जो है थोड़ा सा और हमारा प्लांट बढ़िया रहे। अब मैं इसमें पानी देकर रखाता हूँ। तो दोस्तों दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये हमारा जो है लग करके रेडी है फिलहाल। अब हम इसमें देंगे वाटरिंग करेंगे, वाटरिंग करने से पहले हम इसको इसके पोजीशन पर पहुंचा देते हैं जहां पर हमारे गुलाब भी लगे हुए हैं, जो कि हमने पुष्पा बायटन से परचेस किए थे। इसका अपडेट इंशाल्लाह तबरक तआला कल या परसों में आपको ज़रूर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। और ये देखिए यहाँ पर हमने पानी दिया है, और पानी देखें इसमें मेरे ख्याल से रुकना नहीं चाहिए पानी, अगर रुक रहा है तो समस्या हो जाएगी, मगर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला रुकेगा नहीं पानी इसमें। और ये देखें यहाँ से जो है पानी की जो है जगह जो है खाली हो रही है धीरे धीरे। तो आप जो है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप खुशबू वाले प्लांट पौधों में दिलचस्पी रखते हैं, खुशबू वाले मतलब फूल में, तो आप इसका प्रयोग, मतलब इस पौधे का प्रयोग ज़रूर करें घर पे, आप इसको ज़रूर लगाएं। और गंधराज, जैसा कि मैंने बताया था, गंधराज को भी आप लगा सकते हैं। जैस्मीन तो है ही, ये जैस्मीन की ही वैरायटीज़ हैं सारी, जो कि बहुत सारी, मतलब जो है नस्ल में छोटी बड़ी मजली बहुत सारी कैटेगरी में आती हैं। इसका जो है जो विद्वान लोग हैं उन्हें भी पता होगी इनके बारे में कि कितनी लोग कितनी नस्लें हैं इसकी, और हर तरीके की नस्लें होती हैं, हर प्लांट्स में जो है नस्लें पाई जाती हैं। इसी तरीके से मेरे पास बिना खुशबू वाले जो प्लांट हैं वो भी काफ़ी सारे प्लांट फ्लावर हैं, जैसे कि अभी मैं कैमेलिया लेकर के आया हूँ, उसका वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको 2-4 दिन में या फिर हो सकता है नेक्स्ट डे ही
अपलोड हो करके मिल जाए, क्योंकि कैमेलिया काफ़ी अच्छी कंडीशन में फूल खिला हुआ मुझे मिल गया है। उसके बारे में भी मैं आपको बाई डिटेल बताऊंगा किस तरीके से लगाना है, उसकी टेक्निक क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसकी जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत ज्ञान था मैंने आपको बताया। फिर अगर आपको दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देख सकते हैं इसका पानी ड्रेन हो गया है, काफ़ी अच्छे से मीडिया सॉइल तैयार थी, तो यहाँ पर देखें ये पानी अच्छे से ड्रेन हो गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।